नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह आप सभी का अपने चैनल भोपाल फूड एक्सप्रेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ईश्वर करे आपका जीवन मंगलमय हो। अच्छा, आज हम बनाने जा रहे हैं एक और झटपट और स्वादिष्ट रेसिपी। इसका नाम है, आप इसे पनीर मसाला बोल सकते हैं या फिर नॉर्मल ढाबा स्टाइल पनीर करी। अच्छा, इंग्रेडिएंट अगर आप देखेंगे तो मैंने दो मीडियम साइज प्याज ली है और उसे पेस्ट कर लिया है। दो मीडियम साइज टमाटो को मैंने पेस्ट कर लिया है। इसमें 10 दाने जिंजर के हैं, 4 हरी मिर्चें हैं और 1 इंच के आसपास अदरक है। तो इन तीनों का पेस्ट मिला लिया है। तकरीबन 250 ग्राम पनीर है। अब जैसा कि आप तड़कों के लिए देख रहे हैं तो हमने यूज़ किया है 1 टीस्पून जीरा, 2 सूखी लाल मिर्चें, थोड़ा सा कसूरी मेथी, 4 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग और ये सिनेमन स्टिक 2। ठीक है, साथ में हम ग्रेवी को थोड़ा सा क्रीमी बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर दैट विल बी यूजिंग सम क्रीम, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। चलिए तो अब हम कुकिंग की शुरुआत करते हैं। होने के लिए लगा दिया है तो अब हम इसमें तकरीबन डालेंगे 3 टेबल स्पून के आसपास ऑयल। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं पनीर अब हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम पनीर को निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी तेल में अपने खड़े गरम मसाले डाल देंगे सारे। ग्रीन चिली का पेस्ट डाल देंगे, दोस्तों तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी प्याज काफ़ी हद तक पक चुकी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अपने मसाले मिला देंगे। 1/2 टीस्पून के आसपास हल्दी, 1/2 टीस्पून के आसपास कश्मीरी चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून के आसपास चिली पाउडर, 1 टीस्पून के आसपास धनिया पाउडर। दोस्तों हमने मसाले को तकरीबन 2 मिनट और पका लिया है, तो हम इसे चला देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अब मसाला सूखना शुरू हो चुका है, तो इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी और मिला देंगे और वापस इसे 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे। मसाले को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। दोस्तों तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसे चला देंगे एक बार। अच्छा, ऑयल हल्का सा अब सरफेस पर आ चुका है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसमें अब हम इसमें 3 टेबल स्पून के आसपास क्रीम मिला देंगे और इसे हम वापस तब तक पकाएंगे जब तक ऑयल वापस सरफेस पे नहीं आ जाता। थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स कर देंगे। मेथी भी डाल देंगे साथ में और जैसा कि मैंने बोला इसे हम अब तब तक पकाएंगे जब तक ऑयल वापस सरफेस पर नहीं आ जाता।
ढाबा स्टाइल पनीर मसाला ग्रेवी तैयार होगी। तो अब हम इसमें पनीर मिला देते हैं। तो ये सेम पानी मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसमें पनीर को मैंने रखा था, ताकि उसका फ्लेवर थोड़ा सा ग्रेवी में बरकरार रहे। ये देखिए जनाब, बहुत ही बेहतरीन पनीर मसाला करी बनकर तैयार है। इसमें चाहिए तो हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे।